वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पीवन रुद्र कॉर्नर। आज की क्लास में हम देखेंगे एलकेजी क्लास के बच्चों के लिए मैथ्स क्वेश्चन पेपर फॉर एनुअल एग्जाम्स 2024। और ये पेपर मैंने 30 मार्क्स का सेट किया है, एवरी क्वेश्चन कंसीडर 5 मार्क्स। तो इस तरह से कुछ पेपर सेट किया है, आप देख सकते हैं। तो बच्चों को इस तरह से प्रैक्टिस करानी है और एनुअल एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मार्क्स स्कोर कर पाएँ, तो इस तरह से प्रैक्टिस आप बच्चों को वर्कशीट्स बना के घर पे जरूर करें। इज फिल इन द मिसिंग नंबर्स 1 to 50। बच्चों को यहाँ पर हमने 1 to 50 मिसिंग नंबर्स दिए हैं। आप 1 to 70, 1 to 60, वैसे तो बच्चों को 1 to 100 नंबर्स आने चाहिए, यहाँ पर हमने 1 to 50 लिया है। तो इस तरह से बच्चों को ब्लैंक्स दे सकते हैं और इनको कंप्लीट करने के लिए बोल सकते हैं। 1 के आफ्टर आता है 2, 3, 4, 5, 6 ऑलरेडी गिवन है, 7, 8, 9 and 10। ठीक इसी तरह से जो भी आगे के नंबर हैं वो हम सारे फिल करेंगे, 11, 12, 13, 14, 15 ऑलरेडी गिवन है हमें, 16, 17, 18 गिवन है, 19 देन 20। तो इस तरह से हम सारे नंबर्स यहाँ पर बच्चों को फिल करवाएंगे। काउंट एंड राइट द नंबर्स। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, इन पिक्चर्स को बच्चों को काउंट करना है और करेक्ट नंबर यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर बच्चों की जो काउंटिंग की प्रैक्टिस है वो काफ़ी अच्छी होती है, बच्चे इमेजेस को आइडेंटिफाई करना सीख पाते हैं और उनको काउंट करना अच्छे से सीखते हैं। जैसे कि फर्स्ट इमेज में हमें कुछ एप्पल्स दिख रहे हैं, इन्हें हमें काउंट करना है और जो भी करेक्ट नंबर है वो यहाँ पर बच्चे से फिल करवाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाउ मैनी एप्पल्स? 8 एप्पल्स, सो वी विल राइट हियर 8। नेक्स्ट है कुछ ट्रीज दिए हैं, इनको भी हम काउंट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हाउ मैनी ट्रीज? देर आर 12 ट्रीज, तो हमें यहाँ पर लिखना है 12। तो इस तरह से बच्चों को काउंटिंग की प्रैक्टिस करा सकते हैं, इमेजेस आइडेंटिफाई करने के लिए बोल सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द बिगेस्ट नंबर। तो बच्चों को बिगेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर यहाँ पर हम सिखाते हैं। तो यहाँ पर बच्चे को बिगेस्ट नंबर सर्कल करना है, तो 18 दिया है, 20 and 11, तो विच वन इज बिगेस्ट? 20 इज बिगेस्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एट द नंबर मैंसन। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, बच्चों को यहाँ पर नंबर्स के अकॉर्डिंग पिक्चर्स कलर करनी है। जैसे कि 4 नंबर दिया है तो 4 पिक्चर्स बच्चे काउंट करेंगे और उनको कलर करेंगे। जैसे कि फर्स्ट कुछ अम्ब्रेलास दिए हैं, इन अम्ब्रेलास को काउंट करेंगे। हाउ मैनी अम्ब्रेलास? 4। 4 अम्ब्रेलास को हमें काउंट करके और कलर करना है, तो इसको हम कलर कर देंगे। 1, 2, 3 and 4 इस तरह से। नेक्स्ट है कुछ बॉल्स दी गई हैं, इनको भी हम काउंट करेंगे। हाउ मैनी? 3। तो 3 को हम यहाँ पर कलर कर लेंगे। 1, 2 and 3 इस तरह से। नेक्स्ट देखेंगे कुछ हमें ट्रीज गिवन है, तो कितना नंबर हमें दिया गया है? 5। तो 5 ट्रीज को हम कलर कर लेंगे। 1, 2, 3 and 4 and 5। 5 ट्रीज हमें कलर करने थे तो हमने 5 ट्रीज को कलर कर लिया है। नेक्स्ट देखेंगे कुछ फ्लावर्स दिए हैं, और तो फ्लावर्स के लिए हमें नंबर दिया है 2। तो 2 फ्लावर्स को हम कलर कर लेंगे। 1, 2। तो इस तरह से भी आप बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं, पिक्चर्स आइडेंटिफाई करा सकते हैं और नंबर के अकॉर्डिंग पिक्चर्स को कलर करने के लिए बोल सकते हैं। इससे बच्चे काउंटिंग भी सीखते हैं और बच्चों की जो कलरिंग एक्टिविटी है वो भी होती है साथ में, तो इसको बच्चे अच्छे से इंटरेस्ट लेके करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर नंबर्स। तो यहाँ पर बच्चों को बिफोर एंड आफ्टर नंबर्स लिखने हैं। एलकेजी क्लास में बच्चों को हम बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर, बिटवीन नंबर इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर नंबर लिखना है। बिटवीन नंबर हमें यहाँ पर दिया है, जैसे कि 2 है तो 2 का बिफोर नंबर क्या होता है? 1 and 2 का आफ्टर 3। नेक्स्ट है 9, 9 का बिफोर होता है 8 and 9 का आफ्टर नंबर होता है
10. नेक्स्ट है 5, तो 5 का बिफोर नंबर है 4 एंड आफ्टर नंबर इज 6. ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे, 11 का बिफोर नंबर है 10 एंड 11 का आफ्टर नंबर क्या है 12. तो इस तरह के जो बिफोर एंड आफ्टर वाली सीक्वेंस होती है, ये बच्चों को ज़रूर कराएं, क्योंकि बच्चे अक्सर भूल जाते हैं 11 से पहले क्या आता है और 11 के बाद क्या आता है. जैसे कि अब 20 है, तो 20 से पहले क्या आता है 19 एंड 20 के आफ्टर क्या आता है 21. नेक्स्ट है 6, तो 6 से पहले क्या आता है 5 और 6 के बाद 7. इस तरह से बच्चों को बिफोर एंड आफ्टर नंबर की प्रैक्टिस जरूर कराएं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल करेक्ट नंबर ऑफ ईच वर्ड. तो यहाँ पर कुछ नंबर नेम्स दिए गए हैं, बच्चों को नंबर नेम्स के अकॉर्डिंग करेक्ट नंबर यहाँ पर सर्कल करना है. तो यहाँ पर दिया है हमें फर्स्ट नंबर नेम क्या दिया है 8. तो 8 कहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ भी 8 नंबर दिया उसको हमें सर्कल करना है. तो EIGHT 8. आपको बच्चों को बोलना है कि जो भी स्पेलिंग दी गई है उसको हमें रीड भी करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी नंबर सही है, जो भी करेक्ट है, उसको हमें सर्कल कर देना है. जैसे कि EIGHT क्या होता है 8. तो 8 को हमें यहाँ पर करना है इस तरह से. नेक्स्ट है 12. TWELVE क्या होता है 12. तो 12 नंबर का है हमारा, ये रहा 12, इसको हम इस तरह से सर्कल कर लेंगे. नेक्स्ट वन है 19. NINETEEN 19. तो ये रहा 19, इसको हम सर्कल कर लेंगे. नेक्स्ट है ELEVEN 11. तो 11 नंबर जहाँ पर भी दिया है उसको हम सर्कल कर लेंगे, ये रहा 11 नंबर. नेक्स्ट FURTEEN 14. तो 14 को सर्कल करेंगे. TWENTY क्या होता है 20. तो 20 नंबर को सर्कल कर लेंगे. नेक्स्ट है THIRTEEN 13. तो 13 को सर्कल करेंगे. नेक्स्ट वन इज XIXTEEN 16. तो 16 को यहाँ पर हम सर्कल कर लेंगे. तो इस तरह से भी आप बच्चों को नंबर नेम्स एंड नंबर की प्रैक्टिस करा सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलर द ट्राइंगल रेड एंड सर्कल्स ब्लू. तो यहाँ पर जो भी ट्राइंगल्स दिए गए हैं उनको रेड कलर से फिल करना है और जो भी सर्कल्स दिए गए हैं उनको हमें ब्लू कलर से फिल करना है. तो यहाँ पर बच्चे जो भी शेप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे और करेक्ट कलर फिल करेंगे. जैसे कि फर्स्ट शेप हमें क्या दिया है स्क्वायर, तो इसको हमें कलर नहीं करना है. नेक्स्ट है सर्कल, तो सर्कल में हमें कौन सा कलर फिल करना है ब्लू, तो इसको हम फिल कर लेंगे इस तरह से. नेक्स्ट हमें दिया है ट्राइंगल, तो ट्राइंगल में हमें कौन सा कलर फिल करना है रेड, तो इसमें हम रेड कलर फिल कर लेंगे इस तरह से. नेक्स्ट है रेक्टेंगल, तो इसको हमें नहीं फिल करना है, इसको हम क्रॉस कर देंगे. नेक्स्ट है ट्राइंगल, तो ट्राइंगल में अगेन हमें रेड कलर फिल करना है, तो इसको भी हम फिल कर लेंगे इस तरह से. और स्क्वायर को भी हमें फिल नहीं करना है, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे. सर्कल में हमें ब्लू कलर फिल करना है, तो हम ब्लू कलर फिल कर देंगे इस तरह से. तो इस तरह से आप कलरिंग एक्टिविटी बच्चों को करा के बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा सकते हैं. तो ये थी आज की वर्कशीट. आज की वर्कशीट आपको कैसी लगी, आई होप इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लगी हो. वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले. साथ ही आप LKG क्लास की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, वहाँ पर आपको बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए काफ़ी सारी वर्कशीट्स मिल जाएंगी, तो आप उसको जरूर कराएं. नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.